हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहीन ब्लॉग। तो ये बना रही हूँ मैं कद्दू का कुछ अलग तरीके से रायता टाइप का। तो ये मैंने ले लिया है पाव किलो कद्दू, और ये ले लिया है मैंने पाव किलो करीब दही। इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी क्योंकि ये बहुत थिक है, ये मैंने घर में जमाया था। और ये है मिर्ची हरी और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने इसमें ही कूटा है, और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि ये तेल में डालते टाइम जले नहीं। तो चलो तैयारी शुरू करते हैं। तो तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे, और जो ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जो कूट के रखा है ये भी इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, में ही हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी डाल दी है और इसमें ही हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर कम लगेगा तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया है ये इसमें, और अभी इसको थोड़ा देर हम पकाएंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हम पम्पकिन यानी कद्दू। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, आप भी एक बार ज़रूर इसको बनाएं। सॉरी एक जास फैन चल रहा था तो शायद आवाज़ मेरी स्लो आएगी, तो मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि इसकी मिर्ची उड़ती है ना, इस वजह से मैंने एक जास फैन ऑन किया था। और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये एकदम सिंपल और बहुत टेस्टी। अगर आपको नहीं अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, पर एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत यमी लगती है रोटियों के साथ में। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप दो तीन रोटी खा जाएंगे एक्स्ट्रा। तो मैं ये बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और जो चीज़ मुझे पसंद है वो मेरे हस्बैंड को खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी पसंद एकदम अलग है और मेरी एकदम सिंपल सी पसंद है। नहीं, जो चीज़ें मैं खाती हूँ ना, जैसे दही की कोई सब्ज़ी हुई या बेसन की सब्ज़ी हुई या दाल के भजिए वगैरह हुए, तो ये सब मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आते और मुझे ये सब बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें बना नहीं पाती हूँ मेरे लिए, पर आज बहुत मन कर रहा है तो इसलिए मैं ये मेरे लिए बना रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ा देर में, अभी तो ये मसाला भून रही हूँ मैं। तो ये देखिए मसाला भून चुका है, तो हम डाल देंगे इसमें ये पम्पकिन, और अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हो चुका है मिक्स, और अभी इसको हम एक ढक्कन से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो। ये स्लो आंच में गलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको थोड़ा देर के बाद। तो अभी हम इसका ढक्कन हटा कर देखेंगे। देखिए गल चुका है, ऐसी लो फ्लेम में इसको चलाते रहेंगे और ऐसे ऐसे इसको मिक्स करते रहेंगे, और इस तरह से अभी खुले में ही पकाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसको स्लो आंच में चलाते रहेंगे। देखिए हमारा कद्दू अच्छे से पक चुका है, अच्छे से भून चुका है मसाला, और ये ले लिया है मैंने दही, इसको फेंट लिया है और इसमें धनिया कट करके डाल दिया है, और अभी ये डाल देंगे हम ये इसमें डाल दिया है और इसको कर देंगे हम मिक्स। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ये बहुत टेस्टी भी बनता है। इसको बॉईल नहीं करना है, बस ये हो गया हमारा बनकर रेडी।
और इसको खाएं आप चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खा सकते हैं। सूखा भी अच्छा लगता है ये, ऐसे ही बगैर चावल रोटी के रायता समझ के खा सकते हैं इसको। गाइस तो आज की ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है आपको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और गैस थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने रोटियाँ भी बनाई हैं खाने के लिए इस वजह से। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग, बाय। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाने के लिए।